नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे VCL। क्या आपने भी इस कंपनी को बाई किया है और अब आप इसमें फंस चुके हैं क्योंकि इसमें आज से फिर से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। एक दिन पहले मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा आपको बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत बुरा फंस सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप बिल्कुल जाके, अभी भी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आप देखेंगे ये वो वीडियो है जिसमें मैंने बोला था बहुत ज़्यादा बुलिश ना हो वरना बड़ा लॉस होगा। और आप देखेंगे यह कंपनी एक दिन बाद यानी आज के डेट में फिर से लोअर सर्किट पे चलना स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बेच के निकल जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। दोस्तों इस कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो है 24 रुपये से 28 रुपये के बीच में। कंपनी फिर से उसी रेंज में जाने की कोशिश करेगा। अगर यह कंपनी फिर से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो फिर आप निकलने की प्लानिंग कर सकते हैं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है। अगर आपका पर्पस लॉन्ग टर्म है तो बिल्कुल कंटिन्यू करें। अगर इस कंपनी को आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है तो बिल्कुल आप चाहें तो कंटिन्यू करके चल सकते हैं जिस प्लानिंग के अकॉर्डिंग, यानी जब आपने एनालाइज किया होगा तभी आपने लॉन्ग टर्म का डिसीजन लिया होगा, तो बिल्कुल उसको कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर इस कंपनी में आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको बाई नहीं करना है। कंपनी पहले सपोर्टेबल बना दे उसके बाद इस कंपनी को बाई करें और साथ के साथ अपना स्टॉप लॉस डेली टू डेली कंटिन्यू करते रहें। जैसे ये होगा कि अगर यह कंपनी एक लेवल के बाद यू टर्न लेता है तो उससे पहले आप एग्जिट कर जाएंगे और आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। अदरवाइज यह कंपनी अगर यू टर्न लेकर लोअर सर्किट पर आ गया तो आपका बना बनाया प्रॉफिट भी जीरो हो जाएगा और आप लॉस में इंटर कर जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा अवेयर रहें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।